हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही प्रीटी सा फ्लावर लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही इजी है। ये बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है और इसको आप कहीं पर भी यूज भी कर सकते हैं। ये देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये फ्लावर बनाने के लिए हम पहले अपना नोट बना लेंगे। ये हमारी नोट बन गई है। अब हम इसमें 5 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसमें 5 चैन बना करके जो हमारी ये सबसे स्टार्ट में जो हमारी चैन है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, हमने अब इसमें स्लिप स्टिच बना लिया है। स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम 1, 2, 3, ये हमने इसमें 3 चैन बना ली है। ये 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर है। ये 3 चैन बनाने के बाद हम 1, 2, 2 दो चैन और बनाएंगे। दो चैन बनाने के बाद अब हम यहीं पर ही जहाँ पे हमने ये अपनी चैन बनाई है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब ये हमारी एक जगह एक और दो दो डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें ध्यान ये रखना है, हम जब भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे हर डबल क्रोशिया के बाद हम दो चैन बनाएंगे। 1, 2, ये हमने दो चैन अपनी बना ली है। अब हम नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, अब हमें फिर से दो चैन, फिर यहीं पर ही सेम इसी जगह एक डबल क्रोशिया, फिर हम दो चैन, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर हम अपनी दो चैन बनाएंगे, फिर सेम इसी जगह एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया है, फिर यहाँ पर दो चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया, फिर से दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर से दो चैन। जब भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद हमें दो चैन हर बार जरूर बनानी है। अब हमारे पास ये 1, 2, 3 और 4 4 हमारे पास बन गई है। अब हमारे पास लास्ट एक लास्ट चैन में हम 5th चैन में एक डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर दो चैन। अब हम इसको यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट हम कहाँ पे करेंगे? 1, 2, 3 और 4 4th चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब हमारी नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने में हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1, 2, 3 यहाँ पर हमने 3 चैन बना ली है। ये 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर है। एक डबल क्रोशिया हमने हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पर सेम इसके जस्ट पास में जो ये है 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 तो 4 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाए। एक ये हमारी साइड वाली चेन, इसको भी हमें डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब ये जो डबल क्रोशिया है इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे। देखिए,
इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये हमने यहाँ पर अपने 5 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जो ये हमारा बीच का जो सेंटर है, बीच में से हमें एक यहाँ पर अपना डबल क्रोशिया बनाना है और इसी से ही जॉइंट करते हुए हमें अपना डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमने अपने सेंटर में लिया और इसी के साथ हमें एक अपना डबल क्रोशिया और बनाना है। अब देखिए, यहाँ तो हम ऊपर से नीचे की ओर आए, अब हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। इसके बाद हमारे पास ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए पकड़ लेंगे और इसमें फिर से हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हमने 5 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद हमें वही जो हमने स्टार्ट में बनाया था ऊपर, यहाँ पे हम 5 बार डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमारा ये एक डबल क्रोशिया आया है। देखो, मैं आपको फिर से बताती हूँ, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके पकड़ लेंगे और यहाँ पे हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हम 5 बार डबल क्रोशिया हमने बना लिया है और अब हम फिर से सेंटर में इसी से ही अटैच करते हुए एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 अब हमें फिर से जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये पूरी रो हमें अपनी इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। हमें यहाँ पे 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर यहाँ पे 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर यहाँ पे 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है और एक डबल क्रोशिया हमें अपने सेंटर में से इसी से ही अटैच करते हुए बनाना है। तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने अपनी पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। अब हम एक चैन बना के यहाँ पे थोड़ा धागा हमें यहाँ पे बड़ा ही करके काटना है। थोड़ा बड़ा सा धागा लेके हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा धागा ले लिया है और अपने धागे में सुई भी डाल ली है। अब हम ये हमारी बैक साइड है। अब हम बैक साइड से बीच में हमें अपनी ये धागा लेके आना है ऐसे करते हुए। अब जो ये हमारा सेंटर है, इसके बीच में हम अपना सुई ऊपर लेके आएंगे और अब हमें ये जो ये हमारी पेटल्स बनी हुई है, हमें इनको सबको एक दूसरे के साथ में अटैच करना है। अटैच हम कैसे करेंगे? ये बीच में से हमें एक ऐसे करके ले लेना है और हमें हम इस तरीके से इनको एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे।
ये हम इस तरीके से इनको अटैच करते हुए चले जाएंगे। ये हमारी सारी पेटल्स अटैच हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर सेंटर में एक मोती लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको मोती लगा करके हम अपना धागा कट कर देंगे। तो देखिए, ये हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनके रेडी है। ये बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसको बनाकर देखिए। ये बहुत ही इजीली बन जाता है, जो देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। आपको मेरी ये फ्लावर वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।